देहा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट की घटना में तीन आरोपी गिरफ्तार। 6 दिसंबर को सुरेश चंद्र माहौर पुत्र कन्हैया लाल माहौर उम्र 54 साल श्री रामकृष्ण धर्मशाला के पीछे सलापुरा श्योपुर की रिपोर्ट पर एक गाड़ी से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लूट करने की घटना रिपोर्ट की गई थी, जिस पर थाना देहात में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। अपराध में संबंधित पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए सलापुरा नहर व समरसा आरटीओ बैरियर व सवाईमाधोपुर की सीसीटीवी कैमरों की तलाश करते हुए जानकारी ली गई। आरोपियों की पतारसी करते हुए मुखबिर तंत्र से सूचना मिली कि 4 दिसंबर को श्योपुर में हुई लूट की घटना के आरोपी सुरेंद्र उर्फ सुट्टी मीणा व नरेंद्र मीणा कहीं बाहर जा रहे हैं। पंखीलाल मीणा भी इसमें शामिल था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते देख बस स्टैंड पहुंचे और पुलिस को आता देख तीन व्यक्ति भागने लगे। जब इन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने अपना नाम सुरेंद्र उर्फ सुट्टी पुत्र मलखान निवासी ग्राम पिपलता और पंखी उर्फ पंखीलाल मीणा नरेंद्र मीणा पुत्र मलखान मीणा बताया, जिनके बाद आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपी सुरेंद्र से एक हुंडई कार और 4200 रुपये नगद व चांदी की अंगूठी व आरोपी नरेंद्र मीणा से 3100 रुपये नगद व फरियादी का आधार कार्ड व पाखीलाल मीणा से एक पर्स जिसमें महेश जाटव के आधार कार्ड की छाया प्रति और 2200 रुपये नगद जब्त किए गए। अपराध कारित करने वाले अपने तीन अन्य साथी शंकर गुर्जर, नितू उर्फ नितेंद्र पंडित, दीनू उर्फ दीनदयाल का घटना के दिन से फरार होने की बात कही जा रही है। कार्रवाई में देहात थाना श्योपुर की सराहनीय भूमिका रही। उसके बाद पुलिस टीम यहां से रवाना हुई थी, तभी देखे जगह जगह छानबीन की थी। क्या खुलासा हुआ है और कौन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? ये दिनांक 4/12/22 को सलापुरा के रहने वाले शिक्षक सुरेश चंद्र माहौर, इन्होंने थाना देहात में रिपोर्ट किया था कि ये खंडार गए हुए थे कथा सुनने, वो लौट रहे थे। तो रात्रि में 10:30 के आसपास जब ये अपने श्री राम धर्मशाला के पास घर पहुंचने वाले थे, उसके पहले एक हुंडई गाड़ी काले रंग की आके आगे ओवरटेक करके रोक लिया और इनको उसमें गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में डाल के इनके साथ ले जाके इनके ATM से पैसे निकाले और अंगूठी वगैरह लूट लिए। इस घटना पर से पुलिस थाना देहात द्वारा तत्काल FIR दर्ज करके विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान जगह जगह के CCTV कैमरे, पेट्रोल पंप और जहां से गाड़ी उठाई गई थी वहां तक पहुंचे हम लोग कि ये गाड़ी कहां से उठी है। वो वहां से शोरूम से इसके घटना के बारे में सुराग मिला, तो वहीं सवाईमाधोपुर के बाद उसमें आरोपी गणों की तलाश की गई। फिर आरोपी गणों की तलाश करके उनको लगातार रेकी की गई। आरोपी गणों ने लगातार गाड़ी को छुपाने के लिए कोटा और दौसा तक उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो छुपा नहीं पाए और लगातार ट्रैक करते हुए पुलिस ने उनको धरदबाचा। और इस प्रकार सुरेंद्र मीना, नरेंद्र मीना और पंखीलाल मीना तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें शंकर गुर्जर और नितेंद्र पंडित और दीनू उर्फ दीनदयाल फरार हैं और इन फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। 2000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है और हम शीघ्र अतिशीघ्र इन तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। ये गिरफ्तार आरोपियों से 9,500 रुपये का मसरूका और लूटे गए अन्य सामान बरामद हुए हैं और इस प्रकरण में विवेचना जारी है। सर, ये जो अपराधी पकड़े हैं कैसे पुराने इनके अपराध भी हैं, किस तरीके से अपराधी? नहीं, पुराने अपराध रजिस्टर्ड नहीं हैं। इन्होंने हाल में ही गाड़ी उठाई थी करीब 1-8 दिन पहले और ये नई गाड़ी से हाईवे पर वारदात करते थे और हाईवे पर कोई भी व्यक्ति जब इनके पैसे की कमी होती थी तो कोई भी व्यक्ति को ये रोक करके उसके पॉकेट से पैसे छुड़ा लेते थे और निकल जाते थे आगे। तो ये आगे जाके और बड़ी वारदात करते, उसके पहले पुलिस ने इनको धर दबोचा।